गाइस, तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं हेरिटेज टेराकोटा शॉप पर, जहाँ पे आपने पहली वीडियो देखी थी काफ़ी सारे फाउंटेन्स की और काफ़ी सारे डिफरेंट जो हमारे गार्डन के प्लांटर्स होते हैं उनकी। वीडियो में दिखाने वाले हैं गार्डन में आप लोग अपने जो हैंगिंग प्लांटर्स लगा सकते हो और हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम जो लगा सकते हो, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले लालटेन चलती थी, लेकिन आज वो देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लाइटों का ज़माना है। लेकिन लाइटों का ज़माना है, उन लाइटों को हम बेहतरीन तरीके से किस में लगा सकते हैं? इन्हीं लालटेनों में। ये बहुत प्यारी लग रही है। वाकई ये बहुत प्यारी है। इसमें जो कड़ी है, जो ये चैन है, क्योंकि आजकल इतनी मोटी चैन आप मुझे नहीं लगता कहीं किसी भी लालटेन में आपको देखने की मिलेगी। इन्हीं चीज़ों की वजह से ये लुक बन जाता है। कल को अगर इसमें हम लाइटिंग का यूज़ करते हैं तो यहाँ से हम अपना LED वगैरह का कोई छोटा सा बल्ब लगा के जो इसमें से जो ये पैटर्न देख रहे हैं, इसी तरीके के पैटर्न से जब लाइट निकलती है और आपके दीवार पर एक रिफ्लेक्शन बनता है, उन्हीं से इनकी खूबसूरती का जायजा आप लगा सकते हैं। और ये वाकई रखी भी और या लटकी भी हुई बहुत सुंदर लगेगी। तो ऐसे ही प्रोडक्ट मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाना चाहूँगा। तो ये थी एंटिक कलर में, ब्रास कलर में, जो समय के हिसाब से अगर गंदा भी होगा तो दिखेगा नहीं, बट ये है कलरफुल। बहुत सारे लोगों को अपने गार्डन में सिर्फ कलरफुल ही चीज़ अच्छी लगती हैं। तो उसमें और भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जैसे कि ये विंड चाइम देख रहे हैं, ये बेसिकली ग्लेजिंग है। ग्लेजिंग एक टेक्निक होती है जिसमें मिट्टी को कांच बना दिया जाता है। ये आप लैंप देख रहे हैं, ये लैंप में जो कटिंग्स देख रहे हैं, इसमें अगर कोई बल्ब लगता है तो वो कटिंग पैटर्न आपकी दीवारों पर रिफ्लेक्ट होंगे। ये नॉर्मल प्लेन विंड चाइम्स हैं। ये घंटी देख रहे हैं, ये आजकल वेडिंग्स इवेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इनमें आप बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल आप पीतल की कोई घंटी खरीदते हैं तो वो लगभग 1200-1500 रुपये आएगी, लेकिन ये सिर्फ आपको 300 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात ये प्लेन में है, ये प्लेन विंड चाइम्स हैं। इसमें इतनी साउंड नहीं है जितनी इनमें साउंड है, क्योंकि ग्लेजिंग है। ये कांच की बनाई हुई है। इसमें आपको 15 बैल तक का आइटम मिल जाएगा। इसमें मेरे पास और भी डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर लटके हुए हैं। इसमें मेरे पास और भी है, जैसे कि आप ये विंड चाइम देख रहे हैं, ये एक झूमर टाइप का है। कल को अगर हवा चलती है आपके गार्डन में तो ये साउंड जो आप अपने रिकॉर्डिंग में भी सुन रहे होंगे, ये बहुत बेहतरीन तरीके से दिखेगा। ये प्लेन है, ये एक वर्टिकल स्टिक्स में है। इसमें आप देख रहे हैं शंख की लुक है। हर एक जहाँ घंटी को हमने रिप्लेस करके शंख की लुक बना दी है। इधर ये देखिए, मैंने एक छोटा सा लाइट का नुमाइश करना चाहूँगा, बट यहाँ अभी रोशनी बहुत ही सही से नहीं दिखाई दे रही है। इसमें मेरे पास एक ये लॉन्ग विंड चाइम्स है, ये बड़े में आ जाती है। प्राइस भी बताइए कि प्राइस क्या रहने वाली है। जो भी विंड चाइम्स आप देख रहे हैं, ये 50 रुपये पर बैल में आती है। पर बैल बोले तो पर घंटी 50 रुपये। ओके, उसके बाद आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो 5 की है तो 250 रुपये की हो गई, अगर वो 7 की है तो 350 रुपये की हो गई। अगर हम इधर आके बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हैंगिंग प्लांटर मिल जाएंगे। आजकल आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में प्लास्टिक के प्लांटर छाए हुए हैं, बट हाँ, मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा कि टेराकोटा यानी मिट्टी के प्लांटर अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सिर्फ हेरिटेज टेराकोटा पर। इसमें आपको अलग अलग कलर के, जैसे कि एक रिच गोल्ड हो गया, ये कलर कभी जाने वाले नहीं है समय के हिसाब से। ये वाइट हो गया, मार्बल वाइट। ये इनकी प्राइस क्या रहने वाली है सर? ये आपको 350 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो बहुत सही है। इसी रेंज में तो सर प्लास्टिक के भी आते हैं आजकल। प्लास्टिक के भी आते हैं, लेकिन हमें अपना प्लांटर चलाना है तो उस केस में हमें प्लांटर में दम डालना पड़ेगा। बहुत सही। अभी आपने जो लैंप देखे थे वो दूसरे तरीके के, लेकिन ये झूमर, ये झूमर देख पा रहे होंगे आप, यही तो खूबसूरती हमारे टेराकोटा की। क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी दया से हमें हाथ में जस मिला और जस के हिसाब से हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे आपके जो आपने कलर यूज़ किए हैं इसमें, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको एक लालटेन दिखाना चाहूँगा। अरे गाइस, ये तो मेरे को देखते सार पसंद आ गई। जैसे इन्होंने निकाली ना, मेरे को ऐसा लगा यार ये चीज़ निकाली इन्होंने मस्त एकदम। तो यही खूबी है इन प्रोडक्ट्स की। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे सी लालटेन भी से लेके 3 फीट तक की लालटेन हमने बनाई है, और हमारे कई रिलेटिव्स ने नेशनल अवार्ड भी प्राप्त किए हैं इसी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसकी थोड़ी प्राइस बताइए क्या रहने वाली है। इसका प्राइस 3000 रुपये है। अच्छा, अप्रॉक्स है। साइज़ के हिसाब से? साइज़ के हिसाब से। ये देखिए, आप इसे अपने प्लांट में टांगिए। इसमें दिए वगैरह देख पा रहे होंगे आप, दिए जलाइए। ये पंचमुखी दिया होता है, बेसिकली टूटा हुआ है, बट हाँ ये कस्टमर का है तो हमें ठीक करने के लिए। मतलब मिलने वाली है यहाँ पर। करेक्ट। बहुत सही। इसमें आप
इसमें छोटा हॉर्स, ये हॉर्स फैमिली भी हो जाती है, लोग अपने गार्डन डेकोर करने के लिए इसमें छोटे हॉर्स से लेके बड़ा हॉर्स भी है आपके पास, ये दोनों हॉर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें इससे बड़ा अगर सेट बनाना चाहते हैं तो सेट भी बना सकते हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके बड़ा तक। यहाँ 6 इंच से लालटेन स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लालटेन है, ये भी एक लालटेन है, इसमें आप बल्ब लगा के अपने घर को जगमग और अपने गार्डन को जगमग कर सकते हैं। आप इसके साइज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी मार्केट का पूरा नॉर्थ इंडिया ढूंढिए तभी शायद इस तरीके की लालटेन नहीं मिलेगी आपको। इसको आउटडोर रखिए या इनडोर रखिए, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसके अंदर अगर बल्ब लगेगा ना तो जो इसकी कटिंग पैटर्न्स हैं उनमें से जब लाइट दूसरे को दिखती है तो वो कहता है अरे वाह ये क्या चीज़ लग रही है। तो वही अट्रैक्शन हमें चाहिए, वही अट्रैक्शन मैं चाहता हूँ कि आपके लोग देखें और आपके गार्डन की तरफ अट्रैक्ट हो। तो दोस्तों एक और प्लांटर है हमारे बीच में, कैमल। ये राजस्थान का कहते हैं ना स्टेट एनिमल है, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये कितना भव्य है। इसमें आप प्लांट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको गेट के एंट्रेंस पे एज ए वेलकम की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है महात्मा गांधी की, जिसमें बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, ये इस तरीके के स्टैचू कहीं भी आपको देखने नहीं मिलते, लेकिन जो समाज से चीज़ें गायब हो रही हैं वो अभी भी हमारे पास हैं। इसमें आपको डक का डक प्लांटर, ये गंदे ज़रूर हैं लेकिन ये वॉशेबल हैं, सबसे अच्छी बात। आप इनको सर्फ से धो सकते हैं, पानी से धो सकते हैं, रगड़ रगड़ के धो सकते हैं, और जब रगड़ेंगे और धोएंगे तो वाकई ये अच्छे चमक उठेंगे। ये बुद्धा, इस बुद्धे की हाइट लगभग 2 फीट है, ये अंदर से होल होते हैं, बट हाँ अभी मुझे पता है मेरे हाथ पे कितना जोर पड़ रहा है, क्योंकि ये टेराकोटा प्रोडक्ट है। बेसिकली टेराकोटा रॉक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो ना पानी ख़राब कर सकता है ना कुछ ख़राब कर सकता है, अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये बहुत लॉन्ग लाइफ चलते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा ये हमारे प्रोडक्ट्स की रॉ फॉर्म है, जिसमें आप बेकिंग क्वालिटी देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा आवाज़ से ही पता लगा सकते हैं कि मिट्टी एक मेटल की तरह कैसे बोल रही है, इसका मतलब उसकी पकाई बहुत सॉलिड है। उसको हाई टेम्परेचर पे बेक किया गया ताकि वो आपके प्रोडक्ट आपके घर में जाएँ या गार्डन में जाएँ तो काफ़ी दिनों तक चलें। इसमें आपको घोड़े मिल जाएंगे, म्यूजिशियन सेट मिल जाएंगे, म्यूजिशियन को आप इस पे लगा के देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। कलर आप जैसा कलर बोलेंगे वैसा हो जाएगा, ये हम इसीलिए रॉ बना के रखते हैं ताकि कस्टमर बोले कि भैया मेरा बैकग्राउंड वाइट है तो आप इसको ब्लैक कर दीजिए, तो ब्लैक कर देते हैं। तो मैं आपके बीच में एक आलीशान प्रोडक्ट लेके आया हूँ, वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये दरबान। जी हाँ ये दरबान, जो अभी तक हमने रामायण में देखे थे या महाभारत में देखे थे, जो दरवाजों पर खड़े होते थे, लेकिन अब हमने आपको घर के सजाने के लिए आपके गार्डन को सजाने के लिए दरबान तैयार किए हैं। अभी ये आप देख रहे हैं ये अपने बेस कलर में, इसके बाद अकॉर्डिंग टू कस्टमर हम इन पर कलर करेंगे। वो बोलते हैं कि बॉडी कलर कर दो या एंटीक कलर कर दो या वाइट कलर कर दो, वो होता है। इधर दूसरी चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये बेसिकली एक तबला है। तबले का अस्तित्व था किसी ज़माने में, लेकिन आजकल बहुत नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों को गायब हो गए। ये भले ही बस्ता ना हो लेकिन इनकी जो लुक देख रहे हैं आप, ये तबला तबले की शेप में, इसके ऊपर लोग इनको बेस की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि इस म्यूजिक सेट कर लिया। अभी ये बेस पेंट में, हाँ जब ये कलर होके निकलेगा तो ये अपने मुँह से बयां करेगा कि मैं क्या हूँ।